लेकिन पिछले दो सेशन के अंदर ही आपको यह एहसास हो चुका होगा कि यस सर नाउ वी आर इन लव लवी कंडक्टर तो बड़ी मजेदार बोले तो फील वाली क्लास सो so, जोश लोग वेरी गुड इवनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द सेशन बच्चा पार्टी यस yes, बहुत प्यारा सा सॉन्ग चल रहा था जब मैं सेशन स्टार्ट कर रहा था उससे पहले आई होप आप लोगों ने सुना होगा गिव मी सम समाइन थ्री का बहुत अच्छा गाना है हम लोग इंजीनियरिंग में हुआ करते थे टू थाउजेंड नाइन हम लोग का फर्स्ट ईयर था इंजीनियरिंग में और ये मूवी आई थी बच्चा लोग बड़ा इंस्पायर किया था ये थ्री इडियट ने ओके okay, चलो ग्रेट बच्चा लोग तो so, सारे बच्चा बड़ी तैयार हैं क्रिसमस आप लोगों का खत्म हुआ फाइनली एंड कल हमने भी एक छोटा सा छुट्टी ले लिया था यार एंड पता है कल क्या हुआ था मेरे को बड़ा हंसी आया <laughs> एक सतीश थैंक यू बच्चा फॉर ट्वेंटी रुपीज सुपर चैट एक छोटा सा किस्सा सुना था जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं <laughs> यार हम लोग हमेशा पढ़ाते रहते हैं यूट्यूब वाले सारे टीचर्स फ्री में आप लोगों को कराते रहते कराते रहते कल एक बच्चे का फोन आया सुनिए उसकी टोनो बताता हूँ मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ बस ऐसे फनी वे में ठीक है हेलो सुनिएगा हाँ सुना ध्यान से अब बच्चा अगर देख रहा हूँ बच्चा तो बुरा मत मानना ठीक है सुनो बहुत मजा आएगा आप लोग को <laughs> मेरा नंबर कहीं ना कहीं से इंस्टाग्राम से मिल जाता है कल मैं ऐसे बैठा हुआ था तो फोन मेरे हाथ पे था मैं चेकआउट कर रहा था कुछ तो फोन उठ गया मैं जल्दी फोन उठाता नहीं लेकिन उठ गया कल हेलो हाँ जी बोलिए मेरा मेरा टोन ये था हाँ जी बोलिए सचिन सर बोल रहे हैं बोला हाँ बोलिए मैं सचिन सर ही बोल रहा हूँ अरे तो क्लास नहीं ले रहे हैं दो दिन हो गया मैं बोला बेटा कब क्लास नहीं लिया मतलब छुट्टी है यार संडे है अरे संडे है देख रहे हैं जो रहे हैं आपका क्लास एक वो ई e एमडबू पढ़ा ई के बाद दूसरा क्लास वेदांतु पे आया ही नहीं आए मैं बोला थोड़ा बेटा आराम से धीरे से बात कर लो यार सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है मतलब आ जाएंगे भी तो एग्जाम हुआ नहीं अरे तो ये वीडियो देख के हो जाएगा मैं बोला हाँ बिल्कुल हो जाएगा क्यों नहीं होगा तो आपके आवाज़ क्लास को पीछे चिल्लाता कौन है पागल आदमी हैं मैं और शुक्ला बोले भाई तू क्या भूल के रहे यार शुक्ला के बारे में ऐसी चीजें नहीं चलेगी शुक्ला हमारा भल्लाल देव है क्या बोलता है शुक्ला है ना आओ तो जोश मत चलो तो यार कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं खतरनाक मतलब प्रो लेवल अल्ट्रा प्रो तो हाँ पत्नी हूँ मेरे से इस तरीके से डिमांड की जाती है कि का नहीं आ रहे हो घर आ जाओ खाना बनाए खाएंगे ठीक है यार बढ़िया था यार चलिए बच्चा पार्टी और बाबा एसएसपी आए और आप सबके चेहरे पर मुस्कुराहट लाए वेल well, वो बच्चा उत्तर प्रदेश से ही था कहीं वही तो नहीं फोन कर रहा है शर्मा कोई भरोसा नहीं भाई चलिए कोई नहीं मोबाइल को साइलेंट पर रखते हैं अमेजिंग बच्चा पार्टी शाम की शुरुआत इस तरीके से हो तो एक अलग लेवल का आनंद आता है बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का तह दिन से शुक्रिया सारे बच्चे आ चुके हैं विजय है, है सोनाली है कोमल है वैष्णवी है विकास एंड है, है, विजय हेलो बच्चा लोग मुस्कान राजपूत मोहित and we have Aden Sheikh, uh, Deepra, Batra, Neeraj and Subhi Bachcha is also there and Subham and Raj and Simran and Minu and Kashis and lots of Bachcha party. Thank you so much and बहुत बहुत आभार Bachcha party. अगर आप लोग नए हो तो फटाफट इस चैनल का हिस्सा बन जाइएगा हाँ अच्छा चैनल का हिस्सा बन जाइएगा ये आपकी प्यारी सी फैमिली है एंड अकेले दम तक यहाँ तक पहुंचे हैं बच्चा लोग तो आप सबके प्यार और सपोर्ट से ही वन मिलियन तक क्रॉस कराना चाहते हैं फिर आपके लिए बहुत सारी चीजें करने वाले हैं एंड मेक श्योर बच्चा लोग दिस इज प्यार प्यार का प्यार का बटन बटन जल्दी से दबा दो ठीक है तो स्टार्ट करें <coughs> आज कौन सा तीसरा क्लास है ना पीएन जंक्शन आर्ट फॉरवर्ड एंड रिवर्स बास पढ़ने आज बहुत अमेजिंग क्लास होने वाली है दो से तीन मार्क्स आ जाएगा ठीक है क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन के आंसर आप लोग देना चाहोगे विच इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस क्लास गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एंड थैंक यू सो मच पढ़ चुकी थी क्लास जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं बिकॉज हम लोग शाम को एक ही घंटा पढ़ते हैं आराम से ठीक है तो प्रीवियस क्लास का मेरा जो सवाल है कॉन्सेप्ट हो चुका था पी टाइप एंड एन टाइप सेमी कंडक्टर जल्दी से बता दो पी टाइप सेमी कंडक्टर के अंदर एक्सेप्टर होता है या डोनर होता है जल्दी से बताओ बच्चा डोनर या एक्सेप्टर क्विकली 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 क्लास आपकी समझ लीजिए स्टार्ट ही हो चुकी है बातचीत नहीं कर रहे हैं हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं प्रीवियस क्लास ऑफ बेस्ट पी टाइप सेमी कंडक्टर में डोनार या इंप्यूरिटी सॉरी डोनर इंप्यूरिटी बोल रहा हूं या फिर एक्सेप्टर 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 पी 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 टाइप 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 के अंदर होता है किसके नजदीक होता है बैलेंस या कंडक्शन बैंड के नजदीक करेक्ट एक्सेप्टर इज द करेक्ट आंसर वेरी गुड आप बता दो जल्दी से बच्चा कि जो हमारी एक्सेप्टर इंप्यूरिटीज है वो किसके नजदीक होती है बैलेंस बैंड जीरो केल्विन टेम्परेचर पे कौन ज्यादा भरा होता है वैलेंस या कंडक्शन ओ माया माया करेक्ट है वैलेंस बैंड और हायर एनर्जी लेवल कौन है कंडक्शन या फिर वैलेंस बैंड हायर एनर्जी लेवल बच्चा पार्टी विथ फुल जोश मेरे प्यारे कंडक्शन बैंड हायर एनर्जी लेवल है ओके अब बताओ वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं क्विकली आंसर करिए गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड हम उसे क्या कहते हैं हम्म 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 गैप वेरी गुड खुशी आखिरी सवाल मेरे प्यारे बच्चों कंडक्टर इंसुलेटर सेमीकंडक्टर के अंदर सबसे कम फॉरबिडन गैप किसका इज इट कंडक्टर इज इट सेमीकंडक्टर? और इज इट इंसुलेटर सबसे कम किसका होता है फॉरबिडन गैप कंडक्टर का इनफैक्ट ना के बराबर होता है करेक्ट है चलो बहुत अच्छे बच्चे अब मेरा आखिरी सवाल फिर हम आज के टॉपिक पर जंप कर जाएंगे आप लोगों को मजा आ रहा है बच्चा लोग सेमीकंडक्टर कंडक्टर पढ़ के फ्री ऑफ कॉस्ट है चैनल से आपको कोई एप्लीकेशन नहीं बनाया है मैंने सब कुछ फ्री है आप लोगों के लिए सी बी टर्म टू सब्जेक्टिव आता है तो भी एन एम आता है तो भी एंड बहुत जल्दी एक हम आपको अपना मटेरियल जो टेलीग्राम में प्रोवाइड करते हैं बच्चों उसका बंच बना करके भी आपको प्रोवाइड करेंगे जो भी पढ़ाया जाता है टेलीग्राम के अंदर नोट्स आपको मिल जाएंगे तो टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना बहुत सर चलो बहुत बढ़िया <laughs> स्पेशली वे हैड स्टार्टेड टूडे कौन बोल रहे हो सचिन उपाध्याय बोल रहे हो क्या ये वाला तो बहुत फनी था जी वो बोलता है जो पीछे ठीक -पीछे है, है। बच्चों टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल ना बोले सारे के सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलते हैं टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप मुझे कोई भी प्यारा सेशन का कुछ भी पॉइंट्स है जहां आप कुछ सवाल करना चाहते हो या वीडियो का कुछ मस्त वाला पार्ट आप मुझे स्टोरी पर टैग लगा सकते हो इंस्टाग्राम आईडी एंड साथ साथ ही आपके प्यारे से एसएसपी सर का ब्लॉग चैनल भी है उसे भी आप फॉलो कर लीजिए सब कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है है चैप्टर चैप्टर बहुत ही प्यारा सा मार्क्स का सिलेबस में से है आपका सेमी में जे जेना डायोड एंड ऑल आज पी जंक्शन डायोड एंड फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस पढ़ने वाले हैं बच्चे ठीक है डेफ्थ वाली क्लास है किसी को कोई दिक्कत तीन क्लास और चलेगी दिक्कत किसी भी चीज की होनी वाली है। हाँ दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए आप दूसरी बात बहुत ध्यान से सुने यहां पर ये यह जो शुक्ला जी ने लिखा हुआ है ये हमारे पुराने वीडियो लेक्चर्स को देख करके ही किया है तो ये नोट्स भी आपके पास रहेंगे ये आप समझ लीजिए की पॉइंट्स और उसके साथ साथ जो मैं आपको रिटन समझाऊंगा वो भी मजा आ जाएगा तो रिटन पर चले रिटन नोट्स पर चले है ना ओ माया मैनू याद आवे शुक्ला पागल होवे हे शुक्ला शुक्ला ए, ए भैया ए राजा चालू हो जाओ टीचिंग बैकग्राउंड क्या चलिए बच्चा लोग तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पी एन जंक्शन पी एन जंक्शन डायोड बहुत प्यारा टॉपिक है नहीं क्यों लोग इससे डरते हैं बड़े बहुत प्यारा टॉपिक है बच्चा पूरा फील के साथ पढ़ाऊंगा शुक्ले जी ए चुकले कहा से हो गया क्या बेटा वो लाइट बंद कर दो पीली वाली ठीक है अब बहुत ध्यान से सुनना बच्चा पार्टी आपको बहुत मजा आएगा इश्क मोहब्बत हो जाएगा अपनी वाली अपने वाले को भूल जाओगे जैसा कि आपको पता ही है ठीक है अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि पीएन जंक्शन डायोड है क्या तो बच्चा पीएन जंक्शन डायोड एक डिवाइस है भलाल देव हाँ शुक्ला गांव से नया नाम भलाल देव पीएन जंक्शन डायोड एक क्या है बच्चा डिवाइस है रिमोट देख रहे हो इसके अंदर भी पीएन जंक्शन डायोड है लैपटॉप पीएन जंक्शन डायोड कैमरा पीएन जंक्शन डायोड मतलब समझ लीजिए कि आज के टाइम में आपके आसपास में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस दिखाई दे रहे हैं उन सभी में पीएन जंक्शन डायोड का एक बहुत बड़ा रोल है पीएन जंक्शन डायोड ना हो तो आप कोई भी स्विच नहीं चला सकते स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए भी पीएन जंक्शन डायोड का यूज किया जाता है सर ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें क्या मिला क्या होता है तो बच्चा लोग पीएन जंक्शन डायोड के अंदर होता है एक पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है मेरे लालो एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मतलब एक पी उठाया और एक एन उठाया और आपस में उनको मिला दिया जैसे आप इनको मिलाते हो तो देखो कुछ प्रोसेस होती है वो प्रोसेस समझिए पी में मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन है एक पी टाइप सेमीकंडक्टर एक एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों का आपस में कंबाइन कर दिया पी एन जंक्शन डायोड अब आप इसके अंदर चल के पढ़ने वाले हो तो पी में चार्ज जंक्शनिटी कौन होता है होल्स करेक्ट हम होल को इस तरीके से सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो भूलना मत ये आप जो सर्कल देख रहे हो ये आपके होल्स हैं ठीक है थीके? और एन में मेजोरिटी कौन होता है इलेक्ट्रॉन्स तो हमने यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट कर दिया डॉट डॉट का मतलब आप समझिएगा इलेक्ट्रॉन्स करेक्ट है एकदम फील करना बच्चा भी किस इसी तरीके से लिखने के आपको मार्क्स मिलेंगे एक एक पी टाइप टाइप एन दोनों को मिला दिया और ये जो बीच में आप बाउंड्री देख रहे हो ये जे है जे माने जोकर नहीं बच्चा लोग यहां पर जे का मतलब है जंक्शन जंक्शन का मतलब होता है जो पी और एन को सेपरेट रखे जो क्या करे पी और एन को क्या करे बच्चा लोग सेपरेट रखे बोलिए श्री अम्बे माता की पिक्चर क्लियर है क्या ठीक है अब ध्यान से सुनो जैसे ही हमारी डिवाइस में ये जंक्शन आता है मतलब जैसे ही जंक्शन बनता है एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है बच्चा लोग क्या स्टार्ट हो जाता है एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है अब आपसे मैं एक सवाल करूं प्लीज आंसर करिएगा लाइफ टाइम तक आपको थ्योरी याद होगी प्यार हो जाएगा आपको सेमीकंडक्टर से ये जो होल है इसका काम क्या है आंसर दिस ये जो होल है उसका काम क्या है बच्चा लोग होल क्या करता था इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता था यानी होल का, का काम है इलेक्ट्रॉन को खा जाना और इलेक्ट्रॉन का, का काम है चलना तो जंक्शन के पास में एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स जंप मार के जंक्शन की दूसरी होल के होल्स के, के अंदर चले जाते हैं इसको टेक्निकली कहा जाता है बच्चा लोग डिफ्यूजन प्रोसेस इतने सुंदर तरीके से आपको किसी भी किताब में भी नहीं मिलेगा एक एक स्टेप I repeat my sentence. When we connect one p and one n, there is one junction. Junction के एक और के n department के electron junction के दूसरे तरफ के p department में जाके अपने आप को diffuse कर देते हैं Now what is the meaning of diffusion? Diffusion का मतलब जैसे bomb को diffuse कर दिया neutralize हो गया खत्म हो गया होल का काम खत्म खाने का था इलेक्ट्रॉन को खा लिया और इलेक्ट्रॉन का काम था खत्म हो जाने का चलने का वो भी चल लिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम माइनस मान रहे हैं होल को हम प्लस मान रहे हैं तो एक प्लस एक माइनस मिलेगा तो न्यूट्रल ही बनेगा ना बोलिए श्री अम्बे मात की आई वॉन्ट टू मीट यू ठीक है भैया मिल लेना कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहां तक चमका yes, फील आया बच्चे थैंक yes, यू दीपरा धन्यवाद अब इसके बाद जो प्रोसेस हो गई डिफ्यूजन तो डिफ्यूजन के बाद हम यहाँ पर एक और चित्र बनाते हैं उस चित्र को बनाते समय एक चीज का ध्यान रखना है वो आपको समझा रहे हैं वो चीज देखिएगा ध्यान से देखना बच्चा लोग प्लीज ध्यान से देखना तो ये है आपका पी डिपार्टमेंट का होल और ये है आपके एन डिपार्टमेंट का इलेक्ट्रॉन्स कोई भी बच्चा प्लीज बिना पूछे जवाब ना दीजिए एकदम बढ़िया से समझना ये पी था ये आपका एन था बच्चा पी डिपार्टमेंट में पहले जहां होल थे वो जगह अब खाली है सुनी सुनी है निगाहें <laughs> एन डिपार्टमेंट में जहां इलेक्ट्रॉन्स थे अब वो भी सुनी सुनी है माने ये जगह पर पहले चार्ज कैरियर था क्या अब यहां पर चार्ज कैरियर है प्रजापति जी बिल्कुल देख सकते हैं क्या यहां चार्ज कैरियर है आफ्टर द डिफ्यूजन प्रोसेस इन द रीजन वेर वी वेर ऑब्जर्विंग दैट देर इज इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप सेमी कंडक्टर एंड देर आर होल्स इन पी टाइप सेमी कंडक्टर बट वंस द डिफ्यूजन प्रोसेस गिट्स ओवर वी कांट सी एनी चार्ज कैरियर्स नहीं यस बिल्कुल नहीं है चार्ज कैरियर्स तो डिफ्यूजन होने के बाद ना बच्चा एक ऐसा डिपार्टमेंट बन जाता है जहां पे शॉर्टेज ऑफ चार्ज कैरियर्स चार्ज कैरियर कौन है हमारे इलेक्ट्रॉन और होल हैं तो ना हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ना हमारे पास होल है इंग्लिश में इसे कहते हैं कमी होने को डिप्लेक्ट होना इसीलिए टेक्निकली साइंटिस्ट लोगों ने इस डिपार्टमेंट का नाम दे दिया दिल्ली डेडेबल्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इसे कहा जाता है बच्चा लोग डेपलेशन लेयर. ओ हो हो सर जी क्या बात है इसे क्या कहते हैं लेयर परत, लेयर लेयर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक एक ऐसी परत ऐसा जिसके अंदर होल्स भी नहीं है और इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है वो जगह बहुत खाली है इन सब चीजों को ध्यान रखोगे तो ही आगे की थ्योरी कनेक्ट कर पाओगे आपको बहुत मजा आने वाला है अगर फील के साथ पढ़ोगे तो बोलो पिक्चर क्लियर बच्चा पार्टी फील आया है दिल्ली बिल्कुल डे बिल्कुल भी नहीं सूबी हाँ, सही है तो ये आपका बन गया आपका क्या बन गया लेयर ये मैं आपको बता रहा हूं ये सब्जेक्टिव में दो मार्क्स या तीन मार्क्स में आ सकता है दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट में बहुत कम चांस है क्योंकि ट्रांजिस्टर कट गया है ठीक है यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं अब बहुत ध्यान से सुनना बच्चा लोग बहुत ध्यान से सुनना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मान लीजिए हमारे पास में एक बॉडी है यहां से इलेक्ट्रॉन गए तो ये बॉडी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है नो याद शुक्ला दो हजार में फेल हो गए अगर इसने इलेक्ट्रॉन्स निकाले तो ये पॉजिटिव हुआ गजब बच्चा और मान ले बच्चा यही बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को खा जावे तो क्या ये बॉडी मीनस हो जावे? यस सर। द बॉडी रिलीज इट बिकम द बॉडी एक्सेप्टी बिकम्स नेगेटिव मतलब मेरे प्यारे बच्चा पार्टी यहां से इलेक्ट्रॉन उठ गया था इसलिए ये टर्मिनल प्लस हुआ हुआ कि नहीं हुआ हुआ कि नहीं हुआ को खाता है बकरा शेर को खाता है बकरा नहीं बकरे को खाता है बकरे को को खाता है सेर। को खाती है खाती पत्तियां जल्दी से बोलो तुम आंसर यस क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहां से गए ना तो ये प्लस हो गया जैसा आपको बताया और इलेक्ट्रॉन्स यहां आ गए इसलिए टर्मिनल क्या हो गया मीनस गज सर आपने एक चीज भी पढ़ाया था याद करो बच्चा क्या प्लस से निकल करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस माइनस की तरफ ही जाते हैं ओ हो हो हमने ये पढ़ लिया है हमारे इलेक्ट्रोसिटी के अंदर टर्म वन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर है इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई गजब अब सोच के देखो तो इस डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है इस डिपार्टमेंट में डिस्टेंस भी है तुम बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के मल्टीप्लीकेशन को क्या कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस इज वॉट नहीं नॉट कैपेसिटर वोल्टेज करेक्ट बच्चा V बराबर में ईडी क्या ये वोल्टेज को हम वोल्टेज ना कहकर के पीडी कहें बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्टली अब सोचो ये प्लस 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 है तो प्लस का मतलब हाइयर पोटेंशियल मतलब ऊपर की तरफ किताब में देखोगे समझ में नहीं आएगा ये माइनस 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 है मतलब लोअर पोटेंशियल तो ये एक हायर पोटेंशियल ये एक लोअर पोटेंशियल और यहाँ पर बच्चों ये जो गैप में ऐसे लाइन दिख रहा है दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ चलती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटती है प्लस से माइनस की तरफ पोटेंशियल भी हमारा घटता है तो हाइयर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल अब खुद सोच के देखो क्या ये इलेक्ट्रॉन यहां जा सकता है क्या ये इलेक्ट्रॉन यहां जा सकता है नोई थैंक यू अंशिका गौतम नोई क्यों? क्योंकि माइनस से माइनस से रिपेल होता है सोच के देखो क्या ये होल इधर जा सकता है नहीं बिकॉज वी आर दैट होल विल बिहेव लाइक अ पॉजिटिव पार्टिकल सो दिस पॉजिटिव पॉजिटिव विल रिपेल नो तो ना तो होल यहां जा सकता है ना ही तो इलेक्ट्रॉन यहां आ सकता है तो भैया ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे चार्ज कैरियर को सपोर्ट करने का काम कर रहा है या फिर बच्चा अपोज करने का काम कर रहा है आंसर इन द चार्ट सेक्शन दिल्ली चार्ट वही वाली चार्ट सेक्शन शेर को खाता है बकरा बकरे को खाता है के एग्जाम में बच्चा मजाए धूम कुछ भी बोल रहा हूं मैं लेकिन मजा आ रहा है <laughs> अपोज कर रहा है वेरी गुड वेरी गुड अपोज कर रहा है ना ये जो प्लस प्लस से एक पोटेंशियल बना पॉजिटिव पोटेंशियल माइनस माइनस से नेगेटिव पोटेंशियल तो ये लोग इलेक्ट्रॉन्स को और होल्स को जाने नहीं दे रहे जबकि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस तो चार्ज को सपोर्ट करने का काम करता था तो ये एक अलग तरीके का पोटेंशियल डिफरेंस है दिस इज एक्टिंग लाइक अ बैरियर बैरियर समझते हो जो रोड के बीच में लगा होता है ताकि इधर की गाड़ी इधर और इधर की गाड़ी इधर ना पाए है, है ना इसलिए इस तरीके का पोटेंशियल डिफरेंस जो अपोज करने का काम करता है बच्चों उसे हम लोग कहते हैं पोटेंशियल बैरियर इसे मैं मेरी भाषा में कहता हूं काटने वाला वोल्टेज कौन सा वोल्टेज काटने वाला वोल्टेज बोलो फील आया yes, लगा भौतिक विज्ञान ही जीवन आई रिपीट माई सेंटेंस बिकॉज दिस इज अमेजिंग थियरी अब हमारे पीएन जंक्शन डायोड के अंदर ऑलरेडी एक वोल्टेज रहता है जो चार्ज कैरियर को चलने नहीं देता पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल इस तरीके से होता है भूलिएगा नहीं ये पी और ये एन ऐसे ट्रायंगल ट्राइंगल बना करके एक लाइन खींचता है और 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 और। अगर ये सिलिकॉन है तो इसमें 0.7 वोल्टेज का पोटेंशियल बैरियर होता है और जर्मेनियम है तो 0.3 वोल्टेज का पोटेंशियल बैरियर होता है तुम बोलो तो एक खूबसूरत सा सवाल पूछ लो थी यहां पर ओवर हो रही है बट आई वुड लव टू आस्क वन खूबसूरत सा सवाल यस yes, बच्चा किंग इकबाल गेमिंग जी बिल्कुल इसे कटिंग वोल्टेज भी कहा जा सकता है एक खूबसूरत सा सवाल हो जाए मेरे लालो ठीक आप सुनिएगा ध्यान से हमारे पास में यहां पर एक सिलिकॉन का डायोड है और मैं सिलिकॉन के डायोड को लगा रहा हूं दस वोल्टेज की बैटरी के साथ बताइए क्या इस डायोड से करंट बहेगा कि नहीं बहेगा जिन बच्चों ने सुना है ना ध्यान से दे कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन और जिन्होंने नहीं सुना है दे कांट आंसर दिस क्वेश्चन हा 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 हंड्रेड परसेंट बहेगा क्यों क्योंकि सर इसमें काटने वाला वोल्टेज जीरो पॉइंट सात का ही है आप दस दे रहे हो यानी जब तक हम जीरो पॉइंट सात से ज्यादा वोल्टेज देते रहेंगे डायोड में से करंट बहता रहेगा जब तक जीरो पॉइंट सात से कम देंगे डायोड में से करंट नहीं चलेगा बोलो चमको yes, फील आयो यस वन मोर पॉइंट नोट करिएगा अब मैंने डायोड आपको दिया जर्मेनियम का मैंने यहां पर वोल्टेज लगाया जीरो पॉइंट वन वोल्टेज का बोलो करंट बहेगा साथ साथ में लिखते भी चले जाना नोट एकदम खूबसूरत सी बनाना बच्चा लोग लिख तो मैं भी रहा हूं लेकिन आप जो लिखेंगे वो आपको याद रहेगा जीरो पॉइंट वन वोल्टेज जर्मेनियम का बहेगा नहीं क्यों क्योंकि जर्मेनियम में काटने वाला वोल्टेज 0.3 वोल्टेज का है और सर आप जो वोल्टेज दे रहे हो वो 0.1 वोल्टेज का है तो यहां पर करंट बहने वाला नहीं है अब आपको बात समझ में आया कि पोटेंशियल बैरियर एक्चुअल में है क्या वास्तविकता में पोटेंशियल बैरियर ही वो वोल्टेज है जो डिसाइड करता है कि इस डायोड से करंट जाएगा या इस डायोड से करंट नहीं जाएगा और शायद पोटेंशियल बैरियर और पीएन जंक्शन डायोड एक ऐसे डिवाइस है जिसमें पहले से एक वोल्टेज होता है क्यों होता है क्योंकि हम एक पी और एन को मिलाते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके चले जाते हैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस एंड पोटेंशियल बैरियर चमको बच्चो बोलो एक बार फिर से समझा दो पूरी थियरी ठीक है एक बार फिर से 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 बच्चा पार्टी इसी बात पे जो चार सौ तिरसठ प्यारे बच्चा तुम्हारा लाइक वाला संख्या है बटन प्यार का बटन है वो धड़ाके के साथ पार होना चाहिए वन के तीन तक गिनते हैं देखते हैं फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं चलो धड़ाके के साथ भैंस वाला इंजेक्शन लगेगा क्विक, क्विक, क्विक। एक बार फिर से चलो देखिए ध्यान से देखिए तो हमने सबसे पहले बताया कि पीएन जंक्शन डायोड क्या है पीएन जंक्शन डायोड एक डिवाइस है आपको सीबीएसई में मार्क्स लाना है तो ऐसे ही थियरी लिखना आप ये जब आ जाएगा तो और इसका क्वेश्चन आप सुन लीजिए के इसका क्वेश्चन क्या आता है इसका क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन पी एन जंक्शन डायोड डायग्राम बनाना है तीनों और एक्सप्लेन करना है पहली लाइन में ये पी एन जंक्शन डायोड इज अ काइंड ऑफ डिवाइस वन पी एंड वन एन वन कनेक्टेड वी गेट इज अ अ जंक्शन वी सी दैट इज जंक्शन आफ्टर द जंक्शन द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन एन टाइप गेट्स डिफ्यूज विथ इलेक्ट्रॉन विद प्रेजेंट इन द पी टाइप आफ्टर द डिफ्यूजन प्रोसेस वी सी दैट देर इज अशन लेट इज डेप्लेन लेर

और जर्मेनियम के लिए जीरो पॉइंट तीन और ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल अब एक और खूबसूरत से सवाल पूछू जो कि आपके सीबीएसई में आया भी है अगर हम डोपिंग को बढ़ाते हैं डोपिंग को आप एन में बढ़ाओ या पी में बढ़ाओ डोपिंग आपको पता है ना इंजेक्ट करना बाहर से इंप्यूरिटी को मिलाना माय क्वेश्चन इज कि अगर हम डोपिंग को इंक्रीज करते हैं पढ़ाते हैं डोपिंग को तो बताइएगा बच्चा बहुत ध्यान से सोच समझ करके डेप्लेशन लेयर घटेगा कि बढ़ेगा इफ वी आर इंक्रीजिंग द डोपिंग इन एन और पी देन डेप्लेशन लेयर इंक्रीजेस और डेप्लेशन लेयर डिक्रीजेस बड़ा अच्छा सवाल है ये शेर को खाता है बत्तियां पत्तियां सिर को खाई नहीं सकती झुकेगा नहीं सारे बच्चे कह रहे हैं कि हम अगर डोपिंग को बढ़ाएंगे तो आप कह रहे हो sure? आंसर सुनिए। गलत है अब ध्यान से सुनिए कैसे जो बच्चे पुराने स्टूडेंट्स हो तुरंत सही आंसर दिए हैं बट बहुत सारे बच्चे गलत आंसर दिए हैं इससे साबित हो गया कि सारे बच्चे नए हैं ध्यान से सुनना जो नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना बी ए पार्ट ऑफ दिस फैमिली अब ध्यान से सुनो बच्चा यहां पर ऑलरेडी छह इलेक्ट्रॉन है दिख रहा है ना मैं और बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ जाएंगे या मैं यहां पर डोपिंग और बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ होल्स बढ़ जाएंगे बात तो तय है तो अगर यहां और इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा ई रिपल्सिव फोर्स सोचो टाइप से इलेक्ट्रॉन से सकते हो और पी टाइप से भी पी टाइप के सारे के सारे पी 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 लगा रहे फोर्स लगा रहे ई नहीं ऐसे लगा रहे तो यहां से इधर की तरफ फोर्स लग रहा है यहां से इधर की तरफ फोर्स लग रहा है डोंट यू थिंक ये ऐसे श्रिंक होगा बोलिए अम्बे मात की नेचुरल फीलिंग ई तो रिपेल्सिव फोर्स की वजह से ये श्रिंक होगा मतलब घटेगा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये बहुत बार आ चुका है इवन ये आपके बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आ चुका है फील के साथ रट्टा नहीं मारने का डोपिंग बढ़ाइएगा तो डिप्रेशन घटिएगा और अगर डोपिंगवा को घटाइएगा तो हर डिप्रेशन ले बढ़ जाएगा बोलो श्री अम्बे मात की ई के चक्कर में कुछ और ना हो ध्यान रखना <laughs> ठीक है डन सो दिस इज एवरीथिंग

चलो बोलिए स्वीएम्बे माते की ठीक बच्चा अब सारे पॉइंट्स आपके सामने लिखे हैं जो शुक्ला जी ने बनाया है वो भी और जो हमने लिखा ये भी आपको ये दोनों नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम से क्या ही दिक्कत है चलिए आगे बढ़ते हैं अब पढ़ते हैं हमारा फॉरवर्ड बायस ओके यहाँ कुछ पॉइंट्स पहले से लिखा हुआ समय आपका सेव हो जाएगा मस्ती के साथ डायग्राम के साथ पढ़ता है दो तरह का बायसिंग होता है पहले तो ये बच्चों को समझ नहीं पड़ता कि सर बायसिंग होता क्या है पहला सवाल ये दिमाग में चलना चाहिए चल रहा है क्या हमारे दिमाग को चलता ही नहीं सर कचड़ा भरा है यू आर पॉइंट द फर्स्ट थिंग कम्स एंड स्ट्राइक योर माइंड इज लाइक बाइसिंग क्या है सर ठीक है चल रहा है ना बाइसिंग क्या है समझिए बच्चा पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी के साथ कनेक्ट करना दिस प्रोसेस इज नोन एज बाइसिंग एकदम सिंपल लैंग्वेज टफ करने जाओ तो बहुत टफ है सिंपल करोगे तो फिजिक्स बहुत आसान है क्या रट्टा थोड़ी मारना बनना चतुर रामलिंगन नहीं पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी के साथ जोड़ने की प्रक्रिया को प्रोसेस को ही बायसिंग ऑफ द डायोड कहते हैं दो तरीके का होता है एक फॉरवर्ड बायसिंग एक रिवर्स बायसिंग पहले हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड रिवर्स हमें अपने आप आ जाएगा बायसिंग सभी को चमका बाइसिंग सभी बच्चे को चमक गया अब सुनिएगा मेरी लैंग्वेज में फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब होता है ट्रू कनेक्शन वो प्यार वाला ट्रू कनेक्शन नहीं क्यों हमको याद कर रहे हैं हम उसको याद कर रहे हैं ट्रू कनेक्शन का मतलब है पी को पॉजिटिव दीजिए पीएन जंक्शन डायोड में पी को पॉजिटिव दीजिए और एन को क्या दीजिए नेगेटिव दीजिए अब दीजिए देखिए कैसे तो भैया ये था हमारा एन जंक्शन डायोड ये आपका पी था यह आपका एन था यह आपका प्लस प्लस था यह आपका माइनस माइनस था यह इलेक्ट्रिक फील्ड थी यहां पर होल्स थे और यहां पर आपके इलेक्ट्रॉन्स थे तो जब भी आप P को पॉजिटिव प्लस को प्लस एंड माइनस को माइनस कनेक्ट करेंगे बैटरी का एक्सटर्नल पॉजिटिव टर्मिनल P के साथ नेगेटिव को N के साथ कनेक्ट करेंगे मतलब सीधा सीधा जोड़ेंगे मतलब ट्रू कनेक्शन करेंगे तो इसे ही कहा जाता है फॉरवर्ड बायसिंग बट सर होता क्या है इसमें पॉइंट नंबर टू ऑब्जर्व इलेक्ट्रिक फील्ड आप इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए मेरी जो एक्सटर्नल बैटरी है मेरी जो एक्सटर्नल बैटरी है अगर आप उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो तो कहां से कहां तक है प्लस से माइनस या माइनस से प्लस आनंद पंडित थैंक यू बच्चा थैंक यू सो मच अगर आप एक्शनल बैटरी को देखो तो एक्सनल बैटरी का प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डेप्लेन लेयर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इधर खुद सोचो बच्चों कि ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है एक ऐसी और एक ऐसी तो सेम है अपोजिट है अपोजिट हुआ ना अपोजिट हुआ ना अरे आप कहते हो कि एक बॉडी पे 20 न्यूटन का फोर्स इधर लगा 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगा तो ओवरऑल नेट फोर्स तो 15 न्यूटन का ही हुआ तो आपका फोर्स घटा वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटा तो कभी किसी जमाने में जो आपके पोटेंशियल बैरियर कुछ इस तरीके के हुआ करते थे ऐसे या आपका प्लस 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 या आपका माइनस 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 ये पोटेंशियल बैरियर अब घट जाएंगे ये आपके पोटेंशियल बैरियर अब घट जाएंगे जब आपका ये पोटेंशियल बैरियर घट जाएगा तो खुद सोचो क्या इलेक्ट्रॉन को जंप मार के यहां जाने में आसानी होगी i repeat my sentence don't worry there are few points in forward bias when we connect p with positive and with negative we see that there is the opposite direction of electric field overall electric field decreases depletion layer decreases once the depletion layer decreases that means now easily electron can jump from n to p and then they can create a current एज यू ऑल नो माई फ्रेंड इफ इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू जम्प एवरी टाइम दे कैन क्रिएट अ करेंट इसीलिए फॉरवर्ड बायस को एक्टिवेट मोड भी कहा जाता है इस कंडीशन में करंट फ्लो करता है चमक गया फील आया। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कभी भी कि आप आगे फिजिक्स में अपना करियर बना रहे हो बच्चों एक बहुत अच्छा वीडियो लाने वाला हूं मैं क्योंकि अब सचिन सर फिजिक्स पे मैंने अभी सैटरडे को आपके प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो डाला था कि पढ़ने के साथ साथ आप अर्न कैसे कर सकते हैं तो जितने भी रिलेटेड आपके क्वेरीज होते हैं ना पढ़ाई से रिलेटेड अब मैं एक भी मुद्दा नहीं छोड़ूंगा तो जितने वीडियोज हैं उसको छोड़ा मत करो पढ़ने के साथ साथ इन्हें भी समझाना मेरा परम कर्तव्य है और मैं चाहता हूं कि मैं करूँ और आप उतना साथ दो अब एक वीडियो में आजकल मैं बना रहा हूँ ना पूरा कि ट्वेल्थ के बाद फिजिक्स में करियर क्या है क्योंकि हम सब बच्चे सिर्फ इंजीनियरिंग सिर्फ नीट यही सब सोच पाते हैं मेडिकल इंजीनियरिंग यही सब सोच पाते हैं कोई बीएससी के बारे में बात नहीं करता कोई सिर्फ फिजिक्स को लेकर के अपने करियर के बारे में बात नहीं करता ना ही तो स्कूल के टीचर्स बताते हैं ना ठीक है चलो वेरी गुड फाल्गुनी तो मैं एक वीडियो बनाने वाला बच्चा उसको देखिएगा और शेयर भी करिएगा एंड इज ऑल अबाउट फिजिक्स मेक करियर आफ्टर ट्वेल्थ ओके तो अब हमने ये देख लिया कि करंट यहां पर बह रहा है तो फॉरवर्ड बायस का मतलब एक्टिवेट मोड करंट बहता है ये चीज हो गई अब बच्चा इनका ना एक ग्राफ होता है जिसको कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बोलते हैं वॉट इज द मीनिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ का मतलब ये शो करेगा कि भाई वोल्टेज बढ़ाने पर क्या हो रहा है वोल्टेज घटाने पर क्या हो रहा है करंट का क्या हो रहा है किस चीज का क्या हो रहा है तो एक्सपेरिमेंट किया गया और एक्सपेरिमेंट करके ये पाया गया क्या पाया गया तो वो मैं आपको बताता हूं यहां करंट यहां वोल्टेज शुक्ला जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया अलग अलग बैटरी लगाई अलग अलग वोल्टेज दिया अलग अलग करंट इसके अंदर मिला तो हम एक टेबल बनाते हैं वी वर्सेस आई का शुक्ला जी ने देखा कि जीरो वोल्टेज पर वा भी जीरो था ससुरा वन वोल्टेज पर भी करंट जीरो था दो वोल्टेज पर भी करंट जीरो था लेकिन जैसे ही तीन वोल्टेज दिया करंट बढ़ा ससुरा गजब चार पर भी बढ़ा पांच पर भी बढ़ा अब फिर बढ़ते चला गया तो आप बताइए ये ओम स्लो है या ओम स्लो नहीं है वेरी गुड दीप्रैक्टिकल में चुकलेक् साम तो तुझे माइक नहीं पड़े क्या रही बसा तुम्हें पानी ढिया बाहर माले पानी हाँ। नॉन ओमीग्राफ है क्योंकि अगर ये ओमीग्राफ होता तो वी प्रपोर्शन टू आई होता द मोमेंट वेन वी इंक्रीज द वोल्टेज करंट भी इंक्रीज होना चाहिए था तो जीरो से दो वोल्टेज तक करंट आपका लगभग जीरो है इसीलिए देखिए ग्राफ ना बच्चा इसका कुछ ऐसा होता है ये ऐसा जीरो 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 फिर सडनली जंप कर गया इसको कहते हैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ये सारे आपके मार्क्स देंगे फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड अब ऐसा ग्राफ क्यों बना कोई बता सकता है क्यों हमारे जीरो से दो वोल्टेज तक करंट आपके जीरो थे देखते हैं कौन बताता है बच्चा कह रहे इंग्लिश में लिखने नहीं आता कोई बुराई नहीं है सोचना थोड़ा थोड़ा शुरू करिए आ जाएगा इंग्लिश में लिखना फील कर लोगे हिंदी में अच्छा समझ लोगे आ जाएगा लिखना एग्जैक्टली डांसिंग चार्म बहुत अच्छे बच्चा वेरी हैप्पी दैट ऑल द स्टूडेंट आर गिविंग द करेक्ट आंसर सुपर अमेजिंग बिल्कुल सही है बच्चों क्योंकि सर पी एन जंक्शन डायोड में एक पोटेंशियल बैरियर रहा होगा सर ये सिलिकॉन जर्मेनियम नहीं है कोई और डायोड है जिसका पोटेंशियल बैरियर दो वोल्टेज है तो दो वोल्टेज तक हमारी करंट जीरो है लेकिन दो के बाद हमारी करंट जंप करना स्टार्ट हुई दिस इज द रीजन वाई सेमी कंडक्टर इज सो 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 खास बिकॉज इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर आर गेटिंग समझ में आया बेटा पार्टी मेरे लाल बाल गोपाल मेरे बेटा पार्टी मेरे जान पार्टी एकदम अच्छे से क्लियर है गुड yes, सुपर बहुत अच्छे ग्रेट सो दिस इज ऑल अबाउट फॉरवर्ड बायस एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रैक्टिकल से याद रखना कि जो करंट इसमें फ्लो करता है बच्चा लोग वो मिली एम्पियर के फॉर्मेट का होता है कौन से एंपियर के फॉर्मेट का होता है मिली एम्पियर अब अगर आपको फॉरवर्ड समझ में आया तो रिवर्स आपको ऐसे समझ में आएगा आइए देखिए रिवर्स रिवर्स का मतलब हुआ बच्चा पार्टी उल्टा फॉल्स कनेक्शन पॉजिटिव को नेगेटिव दीजिए नेगेटिव को पॉजिटिव दीजिए पुष्पा सर हाँ फिर से शुरू हो गए तुम लोग क्या शुक्ला yes, मेरे साथ काम करेगा तो बहुत आगे जाएगा तू क्या बोलता है केशव yes, अपने पास केशव है भाई चल बच्चा पी एन जंक्शन डायोड में ये लिया हमारा पी ये लिया हमने एन यहां से है पॉजिटिव टर्मिनल ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये है आपका नेगेटिव ये है आपके होल्स ये है आपके इलेक्ट्रॉन्स ओके ग्रेट अब देखो उल्टा कनेक्शन करते हैं पी को बैटरी का देते हैं नेगेटिव और इसको देते हैं पॉजिटिव ये ऐसे आ गया डन आप बताइए बच्चा ऑब्जर्व इलेक्ट्रिक फील्ड कितना सुंदर की पॉइंट लिखा है शुक्ले ने वो सॉरी केशव ने अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्जर्व कर पाओ तो देखो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस हो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस ढिचकियां क्या दोनों सेम है जिससे क्या होगा आपका जो पोटेंशियल बैरियर था पहले अगर इतना सा ही था तो वो अब बढ़ जाएगा बच्चा पार्टी बढ़ जाने की वजह से क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम डायरेक्शन में तो पोटेंशियल लेयर बढ़ गया डिप्लेशन लेयर बढ़ गया अगर डिप्लेशन लेयर बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब यहां से यहां सॉरी आपके इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां जाने में आसानी नहीं होगी दैट्स वाई वी विल से इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा That's why we will say this is मोड ऑफ द डायोड diode बिकॉज ऑफ नो करेंट इज पासिंग थ्रू दैट चमका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग कह रहे हैं करंट फ्लो नहीं कर रहा है क्या ये सही है करंट बिल्कुल फ्लो नहीं करता है ये गलत है करंट फ्लो नहीं करता यह सही है करंट बिल्कुल फ्लो नहीं करता यह गलत है ध्यान से सुनना क्योंकि एक छोटी सी अमाउंट की करंट फ्लो करती है बच्चा जो लगभग तो ना के बराबर होती है लेकिन फिजिक्स में हम किसी भी ना से ना चीजों को भी इग्नोर नहीं कर सकते वी शुड अंडरस्टैंड कि कौन सी वो करंट है लेट्स अंडरस्टैंड अच्छा बताओ एन में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो मेजोरिटी है माइनॉरिटी कौन है जिनके संख्या कम है ऑब्वियसली एन में हमारे होल्स हैं और इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं पक्की बात है डन एकदम सही अब ये जो माइनस है वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा रिपेल करेगा ये जो प्लस है वो इसके अंदर के माइनर को रिपेल करेगा तो ये यहां आने की कोशिश करता है बिकॉज ऑफ ये प्लस और बिकॉज ऑफ दिस माइनस ये बच्चा इलेक्ट्रॉन यहां जाने की कोशिश करता है और बीच में दोनों का कहीं पर मिलन हो जाता है लेकिन ये सब कुछ किसके वजह से हुआ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से झुकेगा <laughs> नहीं किसकी वजह से हुआ माइनॉरिटी चार्ज इससे साबित होता है कि तुम सब साला पढ़ नहीं रहे हो मूवीज देख रहे हो क्या बोलते हो शुक्ला <laughs> झुकेगा नहीं तुमने बोला इसका मतलब तुम सब पढ़ नहीं रहे बच्चा है शैतान चलो तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव किए और करंट बना तो ये जो करंट बना वो बहुत ना के बराबर होता है बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इसीलिए इसके अंदर ना एक करंट चलती है जो बहुत कम अमाउंट की होती है और वो माइक्रो एम्पियर की होती है शायद यही रीजन है कि अगर शुक्ला जी ने एक्सपेरिमेंट किया तो शुक्ला जी ने देखा कि जीरो वोल्टेज था जीरो एक वोल्टेज था एक एम्पेयर दो वोल्टेज था तो दो एम्पियर तीन वोल्टेज था तो भी दो है चार वोल्टेज है तो भी दो है पांच वोल्टेज है तो भी दो ही है यानी अगर हम इसका ग्राफ बनाएं बच्चा लोग वर्सेस का तो ये कुछ इस तरीके का बनता है यानी वोल्टेज बढ़ते जा रहा है बट करंट आपका अभी भी कांस्टेंट है इसे कहते हैं रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डायोड जंक्शन डायोड चमका बच्चा लोग yes, फील आया है ग्रेट सो जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस क्या रिवर्स बायस में करंट बिल्कुल नहीं चलती रॉन्ग करंट चलती है बट उसकी वैल्यू ना के बराबर होती है जिसे हम लोग कहते हैं माइक्रो एम्पेयर ईमानदारी से बताना आज के आज ही ये पूरा का पूरा क्लास में किसको याद हो गया ये ग्राफ रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक जो पीएन जंक्शन डायोड को शो करता है याद हो गया सर गुड अमेजिंग अब कुछ आपको कुछ हम क्विजेस कराते हैं एमसीक्यू के फॉर्मेट में और आप इसे कंसिडर कर सकते हैं एज सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपके तीन सवाल आज के क्लास के एक आपका पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस अब सवालों के आंसर करिए थड़ बच्चा चलो आपके सामने क्वेश्चन है और इसका आंसर दे दो पुष्पा अरे बेटा ये तेरा अड्डा बेटा ये तुम्हारा ही अड्डा है ना फिजिक्स का हाँ इन द फॉरवर्ड बायस अरेंजमेंट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड बोलो मामो काइंड ऑफ क्वेश्चन अगर लेक्चर में समझ में आ गया ए चुकले।, ये इन चुकले भी चुकले थोड़ा बढ़िया सवाल ला बहुत सिंपल है बट कोई बात नहीं बच्चों को मजा आएगा सिंपल इसलिए लग रहा है क्योंकि फील कर लियो आप तो पी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एन कहा गया एन का नहीं दिए हो अच्छा पी एन जंक्शन डायोड इन द फॉरवर्ड बायस अरेंजमेंट पी को पॉजिटिव करेक्ट है चलो नेक्स्ट The reverse biasing in a PN junction diode. Reverse bias. अच्छा रिवर्स बायस से याद है बच्चा लोग मैंने यार वेदांतु के सभी बच्चों को तो बता दिया है मौका है तीन बच्चों को जीतने का फ्री क्रैश कोर्स हमारे तरफ से फीस मैं पे करूंगा तो मैं भी आप लोगों को बताऊंगा लेकिन टेलीग्राम में तो टेलीग्राम के एक मैसेज को ध्यान से सुनना आज तो रिवर्स बायस में हमारा पीएन जंक्शन डायोड का पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज हो जाता है करेक्ट बच्चा अगला सवाल इन फॉरवर्ड बाथ ऑफ पोटेंशियल बैरियर इन अ पीएन जंक्शन डायोड। फॉरवर्ड बायस फॉरवर्ड बायस सबका आंसर सुख ले बी बी दे दिया है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ डिप्लेशन लेयर इज लार्ज बिकॉज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ डिप्लेशन लेयर डिप्लेशन लेयर में रेजिस्टेंस ज्यादा है क्योंकि वहां पर क्या नहीं होंगे दैट इज चार्ज कैरियर्स इट हैज अ लार्ज नंबर गलत है इट कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स एज चार्ज इट हैज होल्स एज चार्ज कैरियर इट कंटेंस इलेक्ट्रॉन्स एज चार्ज कैरियर इट हैज लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर गलत है इट हैज नो चार्ज कैरियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए गुड अरे ए बेटा पीएन जंक्शन डायोड वर्क्स एज ए इंसुलेटर इफ कनेक्टेड बताइए पीएन जंक्शन डायोड एक इंसुलेटर की तरह काम करेगा अगर हम उसे कनेक्ट करते हैं फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस नन ऑफ दिस एंड एसी करेक्ट आंसर इज यस रिवर्स बायस चलो नेक्स्ट On increasing the reverse bias to a large value in a PN junction diode, current, current, PN junction diode है। ये समझ लो थोड़ा अच्छे से। अरे ए बच्चा समझ लो अच्छे से। PN junction diode है और increasing the reverse bias to a large value। मतलब यहां पर जो बैटरी का वैल्यू है बच्चा लोग ये आप धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा तो ग्राफ आपकी कुछ इस तरीके से थी वो बाद में करंट बढ़ती है क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा सारे के सारे माइनरी चार्ज के चलते चले जाएंगी रिमेन्स फिक्स्ड सडनली इंक्रीजेस बताया ना तो वापस में इसको जेना ही बोलते हैं बट ये आपका जेनरल डायर अब सिलेबस में है नहीं बट एक पॉइंट याद रखो कि धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाते चले जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा सारे चार्ज कैरियर्स चले जाएंगे क्या होगा बैलेंस पर एन वो कोवल एंड बॉन्ड टूटेगा चार्ज कैरियर्स फ्री हो जाएंगे तो सबके सब, सब मूव करने लग जाएंगे इसलिए आपका आंसर आएगा सडनली इंक्रीजेस चलो नेक्स्ट बच्चों इन अ पीएन जंक्शन डायोड इन अ पी एन जंक्शन डायड करेंट इन द रिवर्स बैस कंडीशन इज जनरली वेरी स्मॉल सही है द करेंट इन द रिवर्स बैस कंडीशन इज स्मॉल बट द फॉर बैस इज इंडिपेंडेंट ऑन द बैस वोल्टेज दट रॉन्ग रिवर्स बायस on इज applied डिपेंडेंट ऑन द अप्लाइड वोल्टेज द is इज वेरी स्मॉल इन to टू द रिवर्स करंट देखिए द करेक्ट आंसर इज यस द in इन द रिवर्स कंडीशन इज जनरली वेरी स्मॉल जैसे आपने कहा था कि वो माइक्रो एम्पियर के फॉर्म का होता है ग्रेट चलो आ जाओ अगला सवाल अगला सवाल शुक्ला जी ने जो रखा है ये बताने की कोशिश की गई है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से आएंगे तो कुछ इस तरीके का लिखा हुआ आएगा ठीक है ड्रॉ सर्किट डायग्राम पी एन जंक्शन डायोड जो कि आपको बता दिया गया है इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से आपको करके लिखना है पूरे points आपको लिखने के ही मार्क्स मिलेंगे बच्चा अगर आप नहीं करते हो तो मार्क्स कट जाएंगे डन ठीक है चलिए तो आज की क्लास होती है यहां पर दी एंड एंड बच्चा लोग अपना प्यार शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें जितने भी स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग देखते हैं प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शावर सभी बच्चों के लिए पूरा कंटेंट फ्री है एसएसपी प्लेटफॉर्म पर ये हमारा सेकेंड थर्ड लेक्चर था ना जो फोर्थ लेक्चर आएगा वो आपका होगा फॉरवर्ड नहीं खत्म हो गया फॉरवर्ड रिवर्स रेक्टिफायर हाफ वेव एंड फुल यानी दो क्लासेस के अंदर और ये आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा कल आपका लेक्चर का समय पांच से छ और कल हम मिलेंगे रेक्टिफायर सर्किट के लिए आज जो पढ़ाया गया है उसकी हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगी टेलीग्राम से एंड टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गिवन है अरे पुष्पा सर पुष्पा सर बोला भाई <laughs> <laughs> बोलोगे तो कुल्हाड़ी लेके मरबो करूंगा ठीक है चलो मजा आया बच्चा लोग सभी बच्चों को आनंद की अनुभूति आनंद की अनुभूति चलिए चलिए ग्रेट यो हैभार बहुत -बहुत बच्चा छह सौ साठ बच्चों ने अपना प्यार शेयर किया है दिस इज एब्सोल्युटली फ्री कंटेंट आपको कोई पैसे नहीं देने फीस नहीं देनी है सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए बच्चा जो लोग भी परिस्थिति के मारे हैं जिनको लगता है कि वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते बोर्ड की पढ़ाई के लिए कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, सारा सारा है। प्लेटफॉर्म पर हम एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर चुके हैं तो उसकी डिटेल्स मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा मौका है तीन अमेजिंग बच्चों को जीतने का क्रैश कोर्स हमारे तरफ से पूरी फीस मैं पे कर रहा हूँ अपने बच्चों के लिए वेदांतों की तरफ से मतलब पे मैं करूँगा वेदांतों पर आपको पढ़ने का मौका मिल जाएगा करना क्या है उसके लिए इंस्टाग्राम पर स्टोरी में टैग करना है अपने दोस्तों को बताना है एस के असर के इसके बारे में क्रैश कोर्स के बारे में प्लेटफॉर्म के बारे में आपको जो अच्छा लगता है वो इट्स सिंपल टैग करिए आप में से तीन स्टूडेंट होंगे एक स्टूडेंट डिसाइड हो चुका है नाम रिविल करूंगा मैं एक जनवरी को यस अकीब अली बच्चा बिल्कुल ओके सो आई होप माय ऑल बच्चा पार्टीज पार्टी एक घंटे की क्लास रहेगी आज रात को आपको हम वेदांतों की प्लेटफॉर्म पर ऑसिलेशन का क्लास कंप्लीट करा देंगे तो उसे भी देख लीजिएगा आपसे मुलाकात होगी अब सीधा कल एसएसपी पर चार से पांच में ठीक है चलिए बाय बाय बच्चा पहाड़ी टेक केयर लव यू ऑल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास टिल दैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन बट डोंट ट्रबल योर मॉम टेक केयर लव यू ऑल थैंक यू सो मच बाय जय हिंद